नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्विटर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। रूस यूक्रेन जंग, यूक्रेन का दावा, इस साल के अंत तक जंग हार जाएगा रूस, पुतिन को हटाने के लिए तख्ता पलट करने का काम जारी। श्रीलंका की सियासत, नए पीएम विक्रम सिंघे बोले, भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की उम्मीद, मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया। दिल्ली की बिल्डिंग में आग, दो दमकल कर्मचारियों समेत 27 की मौत, 19 लापता, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा, बिल्डिंग मालिक हिरासत में। कोरोना, देश में पिछले 24 घंटे में 2841 नए केस मिले, 11 की मौत, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हुई कोरोना पॉजिटिव। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर दूसरी हत्या, आतंकियों ने कांस्टेबल को निशाना बनाया, खौफजदा कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे, पुलिस ने बरसाई लाठियां। आज कोलकाता और हैदराबाद की भिड़ंत, 14 बार केकेआर और 8 बार एसआरएच के हाथ लगी बाजी, लगातार 4 मुकाबले गंवा चुकी है सनराइजर्स। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे, 143 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सिर्फ 5% लखनवी नहीं चाहते मदरसे में राष्ट्रगान, बोले राष्ट्रगान से देशभक्ति है ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, इसलिए मदरसों में भी होना चाहिए। यूपी की बड़ी खबरें, यूपी के बड़े माफिया को 100 दिनों के भीतर मिलेगी सजा, योगी सरकार ने पुलिस को दिया टारगेट। मेरठ में भीषण गर्मी, मस्से लोग परेशान, 17 मई को बारिश की संभावना, तब तक नहीं मिलेगी राहत। मुख्तार अंसारी विधायक निधि गबन केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोडियम को स्कूल का भौतिक सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सीएम भूपेश, सोनिया और राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में नजर आए मुख्यमंत्री, सोनिया ने कहा पार्टी का कर्ज चुकाएं। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या, काले हिरण मारकर ले जा रहे थे बदमाशों से जंगल में मुठभेड़, ड्राइवर घायल। एक्सपायर दवा मामले में कंपनियों को नोटिस भेजेगा लोहिया अस्पताल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज को लेकर बड़ी लापरवाही, गोरखपुर में 6,40,000 से अधिक लोगों ने नहीं लगवाई दूसरी डोज, इनमें 41,000 से अधिक बच्चे भी शामिल। किसी भी गरीब पर ना चले बुलडोजर, सीएम योगी वाराणसी में, मुख्यमंत्री ने कहा बुलडोजर से बचने ना पाए माफिया, सर्वे शुरू होने तक शहर में रहेंगे योगी। रायपुर में हुआ पायलट पांडा का अंतिम संस्कार, कैप्टन अजय का शव देख लड़खड़ाई पत्नी तो बेटी ने संभाला, दिल्ली में होगी उनकी अंत्येष्टि। व्यापारी का परिवार खत्म, 4 लाशें मिली, बच्चों को दिया जहर, पत्नी की फांसी, पति का जमीन पर पड़ा था शव, खुदकुशी की आशंका। मेरठ में दरोगा भर्ती परीक्षा में पास हुए 4 मुन्ना भाई पकड़े, डॉक्यूमेंट्स जांच में शक होने पर भर्ती बोर्ड ने पकड़े, सिविल लाइन थाने में FIR। फर्जी RC बनाने वाला नितिन गिरफ्तार, जम्मू से पकड़ा, आज हाईकोर्ट में पेशी, पहले भी जेल जा चुका, खालिस्तानी आतंकियों का मामला। आप देखते रहिए ट्विटर 24 न्यूज।